हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलें जी, आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी और फ्राइड राइस। तो चिकन जलफ्रेजी के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चले आए पहले वो देखते हैं। ये चिकन है, चिकन ब्रेस्ट पीस लिए थे मैंने और मैंने इस तरह इनको काट लिया। ये तकरीबन आधा किलो के करीब है। अब इसमें मैं क्या डालूँगी, ये है मस्टर्ड पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये इसमें गया। इसके बाद ये है चिकन जलफ्रेजी मसाला। इसमें क्या क्या चीज़ें डालती हैं, इसमें रेड लाल मिर्च पाउडर जाता है, इसमें जो है तकरीबन पिसावा ज़ीरा जाता है और चिकन पाउडर जाता है, लहसुन पाउडर जाता है और कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 से 2 चम्मच जाते हैं। तो इस तरह इसको मिक्स कर लिया। अब ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। चाहें तो आप बाज़ार से जो है चिकन जलफ्रेजी का पैकेट ले सकते हैं, उससे भी इसको बनाया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद इसमें ये जाएगी चिली सॉस, चिली सॉस ऐड कर दी। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस तकरीबन 1/2 कप। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें सारी चीज़ें रच बस जाए। और तकरीबन तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद हम इसको चूल्हे पे फ्राई करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें तकरीबन, ये मेरे पास 3 टमाटर थे जिन्हें मैंने इस बीच से निकाल के इनको स्लाइस में काट लिया। ये तकरीबन 3 के करीब प्याज थे दरमियानी साइज़ के। ये थी 3 शिमला मिर्च दरमियानी साइज़ की, इन सबको मैंने काट लिया। ये है चिली गार्लिक कैचअप, ये भी इसमें जाएगा। चले आए स्टार्ट करते हैं। तेल डाला, उसमें मैंने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला। अब इसके बाद मैं इसको शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये जल्दी से पक जाए। ये देखिए, ये हो गया। अब इसमें हम ये केचप डाल देंगे। और अब हम इसमें ये सारी सब्जियां ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बाज़ लोग इसे बिल्कुल ड्राई भी, इसकी ग्रेवी को ड्राई भी कर देते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे जो है ना थोड़ा सा लिक्विड से यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने जो है इसको बिल्कुल ड्राई नहीं किया है और ये सॉसी ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत ड्राई के। अच्छा, इसमें डाल के अब मैं इसको तकरीबन 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे दे दूंगी और उसके बाद इसको हटा लेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ यहाँ मैंने पानी बॉईल करने रखा, नमक डाला है और पानी बॉईल करने रखा। अब इसमें मैं ये सारे मैंने चावल जो है वो भिगो के रखे थे तकरीबन 1 घंटा। तो अब हम मैं इसको इसमें डाल दूंगी और अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। ये देखिए जी, हमने पानी बॉयल करने के रखा, उसमें हमने ये चावल डाल दिए। 1 कनी रह जाएगी तो फिर मैं इसको निकाल दूंगी और इस पानी को रेस कर दूंगी और उसके बाद फिर आगे क्या करूंगी बताती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दीजिए। फ्राइड राइस के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। ये है गाजर, तकरीबन 2 गाजर थी, मैंने इसको इस तरह काट लिया। ये है तकरीबन 3 हरी प्याज थी जिन्हें मैंने इस तरह स्लाइस में कर लिया। अच्छा, इसमें सफ़ेद ज़ीरा जाएगा 1 चम्मच, नमक हसब ज़रूरत। ये है लहसुन का पाउडर, ये तकरीबन 1 चम्मच जाएगा। ये है चिकन पाउडर, ये भी 1 चम्मच जाएगा। ये है काली मिर्च, ये तकरीबन 1/2 चम्मच जाएगी। ये है चिली सॉस और ये है सोया सॉस। चले आएंगे। पानी निकालने के बाद इसमें मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के इस तमाम चीज़ों में शामिल कर दूँ। उसके बाद मैंने इसमें चिली सॉस और सोया सॉस ऐड किया और अब ये मैंने सब्जियां इसमें ऐड कर दी। बिस्मिल्लाह। और हल्का सा मैंने इसको चम्मच चलाया और अब मैं इसमें जो मैंने चावल पानी जिसका निकाल दिया था वो वापस मैं इसमें ऐड कर दूँ। इसको हल्की आंच पे हम छोड़ देंगे और ये हमारे फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे।